हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, आज मैंने आपके लिए जो प्रश्न लिया है, हमारा जो अध्याय है वो मैं आपको बता दूँ, हम क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन पर हम बात कर रहे हैं बच्चों। और मैंने आज आपके लिए जो प्रश्न लिया है, प्रश्न है विलियमसन की सतत इथरीकरण की विधि सतत है अथवा नहीं, कथन को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो बच्चों काफी मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ना, मेन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी इस प्रश्न के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी पहले से ही दे रखी थी, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बदलने की वजह से मुझे ये प्रश्न आपके सामने वापस लेना पड़ रहा है और मैं ले रहा हूं। बच्चों, याद करिए, मैंने आपको हाल ही की क्लास में ईथर का निर्माण समझाया था। मैंने आपको ईथर के निर्माण के लिए, है ना, ईथर के निर्माण मतलब ईथर को बनाने हेतु बच्चों मैंने आपको एक विधि बताया था और उस विधि का मैंने आपके सामने नाम रखा था बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि उस विधि का नाम था प्रयोगशाला विधि। बच्चों, ये प्रयोगशाला विधि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में जो भी था मैंने उसमें आपको शेयर किया था। बच्चों, इसी विधि से हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमको प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विलियमसन की सतत इथरीकरण की जो विधि है ना, वो सतत है अथवा सतत नहीं है, हमको कथन को क्या करना है बच्चों, स्पष्ट करना है, समझाना है। यानी जो प्रयोगशाला विधि है, आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो प्रयोगशाला विधि है ना, उसको विलियमसन नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, और इसलिए हम उसको विलियमसन की सतत इथरीकरण की विधि के नाम से जानते हैं। सतत का मैंने आपको मतलब भी बताया था बच्चों, सतत का मतलब होता है लगातार, है ना, कंटिन्यूअस, अविरल, लगातार जो कंटिन्यूटी में अभी चल रहा होगा या चलता जाएगा। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं प्रयोगशाला विधि को, इस पर आज मैं बहुत फोकस करने वाला हूं, क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो चलिए हम इसके उत्तर पर चलते हैं बच्चों। बच्चों, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपको विलियमसन की सतत इथरीकरण विधि का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। विलियमसन की सतत इथरीकरण की विधि। तो बच्चों, विलियमसन की सतत इथरीकरण की विधि के लिए मैं सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण का प्रथम पद बताने वाला हूं, रासायनिक समीकरण, और उसका प्रथम पद। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पद हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, C2H5OH, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट कराते हैं HHSO4, और बच्चों हम अभिक्रिया का जो ताप है अनुमानित तौर पर 110 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं। बच्चों क्या होगा, एल्कोहल का ये OH वाला भाग सल्फ्यूरिक अम्ल के H वाले पद से अभिक्रत हो जाएगा, और सबसे पहले अभिक्रिया में ये जल का निर्माण कर देगा। बच्चों इसके उपरांत ये जो C2H5 वाला पार्ट है ये HSO4 के साथ अभिक्रत हो जाएगा बच्चों, और जो पद निर्मित होगा वो होगा C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट निर्मित हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। बच्चों इसके उपरांत हम द्वितीय पद पर चलेंगे, अभिक्रिया द्वितीय पद की ओर अग्रसर हो जाएगी। द्वितीय पद में क्या होगा बच्चों, पहले पद में प्राप्त होने वाला जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये अभिक्रिया में भाग लेगा C2H5HSO4, ये अतिरिक्त
अल्कोहल की मात्रा से अभिकृत होगा बच्चों, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज है कि इस दौरान हम अभिक्रिया के ताप को बढ़ाकर 140 डिग्री सेल्सियस कर चुके होंगे। जैसे ही बच्चों यह अभिक्रिया प्रारंभ होगी, HSO4 वाला जो भाग है वो अल्कोहल के H वाले पद से अभिकृत होकर वापस क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देगा, H2SO4 प्लस। इसके अतिरिक्त बच्चों ये जो C2H5 वाला पद है ये OC2H5 वाले पद के साथ जुड़ जाएगा और अभिक्रिया में आपको C2H5 OC2H5 जैसा एक उत्पादक प्राप्त होगा जिसको हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर। बच्चों ये डाई एथिल ईथर कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है कि ये बना हुआ जो डाई एथिल ईथर है ये किससे प्राप्त हुआ बच्चों, ये अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल की आपसी क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारा प्रश्न था, हमारा मूल प्रश्न था किस ईथर के निर्माण की, ईथर के निर्माण की ये जो विलियमसन की विधि है ना प्रयोगशाला, क्या वास्तव में ये सतत विधि है या नहीं है, हमको कथन को स्पष्ट करना था या समझाना था। तो अभी तक मैंने आपके सामने केवल क्या किया बच्चों, रासायनिक समीकरण रखा। मैंने आपको अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के द्वारा उसका प्रथम और द्वितीय पद बताया और अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई ये मैंने आपके सामने रखा। अब मैं इस पर लौट रहा हूं कि ये जो विधि है ये वास्तव में सतत है अथवा नहीं। तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि विलियमसन की सतत ईथरीकरण की जो विधि है ये वास्तव में, ठीक है, वास्तव बच्चों ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, विलियमसन की जो सतत ईथरीकरण की विधि है तो ये वास्तव में सतत विधि, सतत विधि नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए इस कथन को कि विलियमसन की जो विधि है ना जिसको हम आविरल या निरंतर विधि बोल रहे हैं ये वास्तव में एक सतत विधि नहीं है, मतलब ये निरंतर विधि नहीं है। अब ऐसा क्यों है, अगर ये निरंतर नहीं है तो हमको उसका कारण देना पड़ेगा, ठीक है, जबकि हम तो प्रश्न में ही ऑलरेडी बोल के चल रहे हैं कि विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि सतत है अथवा नहीं, तो हमारे सामने अथवा प्रश्न है। मैं आपको आंसर में बता रहा हूं कि वास्तव में ये जो विधि है वो सतत नहीं है। अब ये सतत क्यों नहीं है इसको समझाने के लिए मैंने आपको रासायनिक समीकरण के दो पद आपको पहले ही समझा रखे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, अभिक्रिया के पहले पद में जब अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया के पहले पद में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ये जल क्या होगा बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिल जाएगा और ये उसकी सांद्रता को कम कर देगा। एक निश्चित समय के बाद जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाएगी तो वो अभिक्रिया में भाग लेना बंद कर देगा और ये विधि जिसको हम निरंतर या सतत विधि कह रहे हैं वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये पहला कारण है बच्चों। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो अभिक्रिया है वो 110 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न होती है जो कि काफी अधिक ताप है, उच्च ताप है, और इतने ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कुछ मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा वापस जल में बदलेगी और कुछ मात्रा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनकर गैस के रूप में बाहर चली जाएगी उस पात्र से। फाइनली हमारे अभिक्रिया पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मात्रा कम होगी हम लगातार अल्कोहल को ईथर में परिवर्तित तो कर पाएंगे लेकिन एक निश्चित समय तक, लगातार नहीं कर पाएंगे हम ऐसा, क्योंकि एक समय के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, अभिक्रिया पात्र में समाप्त हो जाएगी और अभिक्रिया अपने आप रुक जाएगी। तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण कारण है जबकि हम प्रयोगशाला विधि या विलियमसन की जो सतत ईथरीकरण की विधि है हम इसको सतत नहीं मानते या ये विधि जो है वो सतत नहीं होती है। तो होप सो आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है और आप लोगों ने इसको समझ लिया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी।